क्या आपको पता है कराची में पहली दफा आप व्हाइट चिकन कढ़ाई मिलेगी तवे पर? नहीं समझे ना? जी हाँ, व्हाइट कढ़ाई अब कढ़ाई में नहीं बनेगी बल्कि ये होगी फ्राई, वो भी तवे पर। रिसेंटली जमशेद रोड पर ओपन होने वाले दिल्ली वाला फूड्स ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं तवा फ्राई और नस्ली किस्म के बारबेक्यू आइटम्स, जिसमें इनकी बिहारी बोटी और बिहारी कबाब के भी बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। तो चलें आज जरा हम भी ट्राई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा भी अभी तो हमने फिलहाल यहाँ पे यूनिक आइटम जो लेकर आए हैं वो तवा फ्राई लेकर आए हैं। आपको स्पाइसी भी और लाइट भी दोनों आइटम मिल जाएंगे। इसके अंदर मगज फ्राई है और कीमा फ्राई है। चिकन के अंदर हमारे बहुत से आइटम बनते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा स्पाइसी, लेकिन ये क्रीमी हो रही है, आप देख सकते हैं। मुझे लग रहा था कि मैं जो हमारी व्हाइट कढ़ाई जो तवे पर बनी है हमारी कढ़ाई ये ले जाएगी आज का मेला, लेकिन बिहारी बोटी जो है ना वो मेरे हिसाब से यहाँ की अंडर रेटेड कहलाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन जमशेद रोड पे दिल्ली वाला फूड पर, और मेरे पीछे आपको जो ये तवा नजर आ रहा है इसके ऊपर तवा कटाकट वगैरह दूसरी चीजें तो बनती है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त बन रही है ये कढ़ाइयाँ भी तवे पर बनाई जा रही हैं, और इसके अलावा बारबेक्यू वगैरह भी इनका बड़ा जबरदस्त हो रहा है और दिल्ली स्टाइल का ही होता है। तो जरा आज यहाँ पर इनका बारबेक्यू वगैरह और स्पेशली मुझे ये जो पीछे बन रहा है ना तवे के ऊपर, तो ये मुझे जो है ना लाजमी ट्राई करनी है। तो इसी के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे आया हूँ और इसी का काफी नाम भी सुना है। अभी न्यूली ओपन्ड है, लेकिन इनके पास जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है इन सब चीजों का, उसी का जायका जो है वो हमें यहाँ पर खींच के लाया। तो चलते हैं अब जरा खाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सीन है। भाई सुना है तवे पे बड़े जबरदस्त किस्म के आइटम बना रहे हो, तो हमें क्या खिला रहे हो? हाँ जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे आइटम बना रहे हैं। आपको व्हाइट चिकन खिला रहे हैं हम। व्हाइट चिकन, चलो जरा शुरू करो फिर, क्या क्या डालो? ये क्या है सबसे पहले भाई? ये हम घी डाल रहे हैं। ये देखें भाई, ये आ गया। ये भाई देखें तवा, और उसके बाद हम चिकन का वजन कर रहे हैं। अच्छा, चिकन का वजन करते हैं भाई पहले? जी। अरे क्या बात है, चिकन यार आधा पाव चिकन का वजन होगा। अरे वाह बेहतरीन भाई, देखिए आप इनके सारी चटनियां वगैरह मसाले दही और ये सब चीजें रखी हुई हैं। ले आओ ले आओ साथ, चलो आधा पाव वजन करने के बाद हमने तवे पे डाल दिया। अरे वाह, ये देखिए भाई आ गया बिल्कुल फ्रेश चिकन, ताजा चिकन लग रहा है भाई बिल्कुल। और ये हमारे उस्ताद ने शुरू कर दिया है, ये कट लग रहे हैं भाई, देखिए माशाल्लाह से भाई इसके ऊपर बोटियों के ऊपर चिकन पे कट लग रहे हैं। और अभी हमारी कढ़ाई बनेगी भाई तवे के ऊपर, कढ़ाई बनेगी भाई, हमारा उस्ताद तवे के ऊपर कढ़ाई बनाएगा बेहतरीन। अच्छा ये क्या आ गया भाई? ये अदरक लहसुन डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट है भाई, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया भाई इसमें। क्या बात है भाई, बेहतरीन फ्राई हो रहा है भाई तवा पे। ये दही ऐड हो गई अब मिर्चों के बाद, वाह भाई वाह, और वाइट हो गई भाई अब है फुल वाइट वाइट, ये बन रही है कढ़ाई है फिर। और ये साथ नमक आ गया जी, ये नमक डाला। हाँ हाँ हाँ, फुल भाई रेसिपी के साथ बना रहे हैं हमारा माशाल्लाह। ये क्या आ गया? गर्म मसाला, ब्लैक पेपर। ओहो, ये जीरा काफी एकदम ना धुआं उठना शुरू हो गया है। क्या बात है, अब होगा मिक्स भाई। ये आप वैसे डेक्ची वगैरह में बनते देखते होंगे कढ़ाइयों में, लेकिन यहाँ तवे पे बन रहा है भाई। हाँ उस्ताद, क्या है क्रीम ले आए अब? जी ये क्रीम डाल रहे हैं। क्या बात है भाई, क्रीम आ गई फुल भाई वाइट, कढ़ाई हमारी बन रही है और क्रीम देखे भाई कैसी माशाल्लाह जबरदस्त ऐड हुई है। ये धनिया ऐड हो गया जी, बहुत ही कोई आला किस्म का भाई चीज बनने जा रही है। साथ में अदरक, क्या गया अदरक? अदरक तो नहीं जी, अदरक डाली। अभी और कुछ रहता है इसमें डालना या? नहीं बस ये अभी तैयार हो गई है। कितनी देर और अभी हमें वेट करना पड़ेगा यार इसके लिए? भाई ये तैयार हो गई है भाई, तैयार है 5 से 7 मिनट में ये तैयार है। क्या बात है भाई, देखिए अभी ये फाइनली हमारी तैयार हो चुकी है और फुल क्रीमी हो रही है भाई, फुल क्रीमी। दिल्ली वाला ये सीन बस यहाँ पे हमने जमशेद रोड पे ऑन करा है। अच्छा अच्छा, अपने नाम से इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो है हमारा क्या बोलते हैं बारबेक्यू है, कढ़ाई तवा आइटम है। अच्छा माशाल्लाह, बारबेक्यू में क्या क्या आइटम है, जैसे कि स्पेशलिटी में क्या क्या रखा हुआ है? बारबेक्यू में आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्पेशलिटी में अपना बिहारी टिक्का है, और चेस पीस है, लेके मलाई बोटी है, रेशमी कबाब है हमारा जो माशाल्लाह से लोगों को बड़ा पसंद आता है। अच्छा अच्छा, जबरदस्त हो गया भाई। तो और इसके अलावा भी कुछ आइटम रखे हुए हैं या सिर्फ बारबेक्यू पे फोकस है, क्या है? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा भी अभी तो हमने फिलहाल यहाँ पे यूनिक आइटम जो लेकर आए हैं वो तवा फ्राई लेकर आए हैं। तवा फ्राई जी, मतलब उसमें क्या क्या है? इसके अंदर आपको स्पाइसी भी और लाइट भी दोनों आइटम मिल जाएंगे। इसके अंदर मगज फ्राई है और कीमा फ्राई है। चिकन के अंदर हमारे बहुत से आइटम बनते हैं। अच्छा अच्छा, तवे पे ही तैयार कर देते हैं? जी जी, ये सब तवे पे लाइव तैयार होते हैं माशाल्लाह। मेरे ख्याल से यार ये मैं देखता हुआ जमशेद रोड पे, कहीं और मुझे नजर आएंगे पूरे जमशेद रोड पे भी, हम हमारे अलावा ये कहीं पर भी नहीं। अच्छा वैसे लोकेशन थोड़ी सी गाइड करो आने वालों को, अगर लोकेशन अगर यहाँ पे आना हो किसी को, तो ये मेन जमशेद रोड है 3 नंबर और नियर यादगार फिश के।
बिल्कुल अच्छा है, उसके साथ ही में करीब कितना टाइम हो गया अभी यहाँ पर आए हुए? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को 22 दिन हो गए। अच्छा अच्छा। और ये है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। काम क्या खानदानी चला रहे हो क्या? अल्हम्दुलिल्लाह काम तो काफी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन अभी है कि यहाँ पे लाके स्टार्ट किया तो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। ठीक है, कोई ऑर्डर वगैरह के लिए भी काम करते हो? शादी ब्याह वगैरह कोई सीन है? बिल्कुल, पार्टी वगैरह इवेंट हो कोई भी हो हमारे यहाँ पे ऑर्डर पे भी। अच्छा, डिलीवरी वगैरह कोई ऑन करीबी है? जी जी, डिलीवरी भी है हमारी और अच्छा तकरीबन जाती है। फूड पांडा की सर्विस भी अवेलेबल है। तो भाई ये देखिए, ये हमारी तवा वाइट कढ़ाई जो है तैयार हो चुकी है और ये है 2 पर्सन के लिए। क्या प्राइस क्या है इसके? 330 रुपए प्राइस है भाई, 330 रुपए की। दो बंदे आराम से पेट भर के खा लेते हैं भाई। तो ये भी हमारा तैयार हो गया, टिक्का भी भाई ले आए, ले आए, ले आए भाई, टिक्का भी ले आए जरा। ये देखिए भाई, ये हो गया टिक्का माशाल्लाह भाई, ये हो गया टिक्का, ये हो गई बोटी। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे तीनों आइटम्स आ चुके हैं और ये है जी आज का शाकाहार जिसके ऊपर मेरा सबसे ज्यादा फोकस था, वाइट फ्राई तवा। भाई ये आप देखें माशाल्लाह, कढ़ाई हमारी आ गई वाइट वाली, तो भाई इसको ज़रा ट्राई करते हैं। और पराठे मैंने जो है अपने साथ ये रख लिए हैं, तो भाई सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ। ये देखें जी भाई, वाइट कढ़ाई। अच्छा, ये ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी, लेकिन ये क्रीमी हो रही है आप देख सकते हैं, और पुदीना वदीना ऊपर से टॉपिंग शॉपिंग हुई हुई इनकी। तो ये हमने बना लिया भाई, भाई वाइट फुल क्रीमी वाला। टेस्ट बहुत अच्छा है यार कढ़ाई का, क्रीम का ज़रा आपको फील ज़्यादा आएगा, क्रीम आपको ज़्यादा फील हो रही है, लेकिन अच्छी लग रही है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई चीज़ ज़्यादा है, क्रीम का टेस्ट और जो बोटी आपके मुंह में जाती है ना, फुल घुलने घुल रहा है। तो भाई ये चीज़ जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और सबसे ज़्यादा मेरा जो फोकस था वो इसी के ऊपर था, क्योंकि तवे पर जमशेद रोड पर कोई भी नहीं बना रहा, और मेरे ख्याल से कराची में भी बहुत कम है, बहुत ही कम है। और ये जो है भाई है 330 रुपए की, और आराम से दो लोगों के लिए ये कह रहे हैं कि भाई ये हो जाता है इनफ। तो अब हाँ, दूसरा हम आ जाते हैं भाई, देखिए ये है जी इनका बिहारी टिक्का। ये देखिए भाई बिहारी टिक्का, देखिए भाई माशाल्लाह क्या बात है भाई, ये तो है रूखा वाला आइटम ना, ये देखें और बहुत गर्म हो रहा है, और ये होगा जी स्पाइसी, इसलिए ये मैंने वो पहले ट्राई कर ली। अच्छा, जितना ज़्यादा वो स्पाइसी लग रहा था ना, उतना ज़्यादा स्पाइसी है नहीं, लेकिन जायके में अच्छा है, जायके में मते का लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल स्पाइसेस है। मेरे ख्याल से शायद बच्चे वगैरह भी खा लेंगे वो। भाई थोड़ा सा भाई इसको, अब मैं आपको ना ज़रा चटनियाँ दिखाऊँ, क्योंकि भाई देखिए चटनियाँ जो है ना इनकी, कहते हैं कि भाई चटनी जो है दिल्ली वाला फूड्स की बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो थोड़ा सा हम ये बोटी के साथ लेते हैं भाई इसको। ये जी हमने डिप कर ली चटनी और ये खा ली भाई, वह चटनी बहुत अच्छी है यार, चटनी का जायका बड़ा मजे का लग रहा है, बेहतरीन। वैसे तो आइटम इनके जो दो अभी मैंने ट्राई किए हैं उसमें चटनी की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मतलब माशाल्लाह वैसे ही सादे भी अच्छे लग रहे हैं। तो और ये है जी हमारा 350 रुपये का। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ज़रा बिहारी बोटी भाई, ये ज़रा बिहारी बोटी देखें भाई आप, बिहारी बोटी असली और नस्ली वाली ना, आपको कराची में बहुत ज़रा कम जगहों पर मिलती है, काफ़ी जगह हैं तो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, तो ज़रा सादी ट्राई करते हैं। यार बिहारी बोटी बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत मसाला है और बहुत सादी ही बहुत अच्छी लग रही है। जब मुझे लग रहा था कि मैं ये जो हमारी वाइट कढ़ाई जो तवे पर बनी है हमारी कढ़ाई ये ले जाएगी आज का मेला, लेकिन बिहारी बोटी जो है ना वो मेरे हिसाब से यहाँ की अंडर रेटेड कहलाएगी। तो अभी जितने खाया नहीं है ना उसको पता नहीं, अच्छी है बिहारी बोटी, अच्छी है। उसको तो चटनी के साथ लगाते हैं, ये देखें चटनी के साथ मज़ा, देखने कैसा आता है। अच्छी लग रही है, मुझे पर्सनली सादी ज़रा ज़्यादा अच्छी लगी थी। अच्छा जी, ये 400 रुपये की प्लेट है, हमने थोड़ी सी अपने लिए कम मंगवाई है, वैसे प्लेट 400 रुपये की है। तो खाने यहाँ के तीनों ही अच्छे हैं, मज़ा आया ट्राई करके। जमशेद रोड की लोकेशन है यादगार फिश से थोड़ा सा पहले, और गूगल लोकेशन आपको यहाँ की मिल जाएगी। न्यू जगह है, अंडर रेटेड जगह है, लाजमी आए ट्राई करें, ऑर्डर भी करते हैं ये लोग तकरीबन 5 किलोमीटर के रेडियस में ऑर्डर वगैरह भी देते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह किसी और कराची के अच्छे स्पॉट पे आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।